हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनीता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू लेटेस्ट जजमेंट 2021. इन द सीरीज ऑफ लेटेस्ट जजमेंट 2021 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फाइव लेटेस्ट जजमेंट्स. इन टूडेज लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस टू इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट रिलेटिंग टू मुस्लिम लॉ. द फर्स्ट जजमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलीगेमी. इसमें क्या है, नाहिदा एंड अदर्स के केस में क्या हुआ. स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस है. तो उसमें ये बात कही गई कि कोई मुस्लिम मैन है, अगर वो पहली वाली वाइफ को तलाक नहीं देता तो वो फर्दर शादी कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम्स में चार शादी अलाउड है. बट अगर कोई मुस्लिम लेडी है और उसने फर्स्ट हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दिया और डिक्लेरेशन नहीं करवाया है तो वो फर्दर जो है बिना डाइवोर्स के वो तलाक नहीं दे सकती. तो ये बात इसमें कही गई है. मुस्लिम मैन कैन मैरी मोर देन वंस. मुस्लिम आदमी जो है वो एक शादी से ज्यादा शादी कर सकता है विदाउट डाइवोर्सिंग अर्लियर वाइफ, बिना पहले वाली वाइफ को तलाक दिए हुए. बट ये सारी चीजें मुस्लिम वुमन पर अप्लाई नहीं होती. ये बात जो है इस जजमेंट में कही गई है. जजमेंट का नाम है नाहिदा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स. ये डिसाइडेड हुआ था 9 फेब 2021 को. इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा हमें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमें मान लो लिखना पड़े मेंस में, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे करके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट में ये बात कही जा चुकी है. हालांकि पर्सनल लॉ ये बात कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि एक मुस्लिम मैन जो है चार शादियां कर सकता है, चार शादियां अलाउड है. अगर वो फिफ्थ करता है तब वो वॉइड या इरेगुलर मानी जाएगी. लेकिन वाइफ के लिए ये सेम राइट जो है मुस्लिम लॉ में नहीं है जो हमारे हिंदू लॉ में दिए गए हैं. इसी के साथ साथ हम सेवन जजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं. मुस्लिम गर्ल 17 इयर्स ओल्ड, एक मुस्लिम लड़की थी 17 साल की, जिसने क्या कर लिया, 36 साल के आदमी से शादी कर ली. और जब वो कोर्ट में उनकी शादी को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया कि उनकी शादी जो है वैलिड नहीं है, तो उस मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों जो है मैरिजेबल एज के हैं तो उसमें आप मना नहीं कर सकते. तो ये जजमेंट 10 फेब 2021 को आया था. और इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, क्योंकि जब मुस्लिम लॉ की हम बात करते हैं उसमें पॉवर्टी माना गया एक कंडीशन है. अभी हम दूसरे जो हमारे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उसमें अभी हम एसेंशियल्स ऑफ मैरिज की बात करेंगे. नेक्स्ट कर लिया है हमने शायद, हाँ उस लेक्चर में एसेंशियल हमने डिस्कस किया था. तो उस डिस्कस के हिसाब से आप समझिए कि मुस्लिम के अंदर जो है वो पॉवर्टी एज मानी गई है, कि पॉवर्टी में अगर लेडी वो गर्ल आ जाती है तो 15 साल की उम्र नॉर्मली माना गया है. यहाँ पर मुस्लिम में क्या होता है, अगर 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे की शादी होती है तो उसमें गार्जियन जरूरी होता है. लेकिन यहाँ पर इश्यू राइज हुआ कि ये जो शादी मुस्लिम लड़की ने मुस्लिम लड़के से की थी जो 36 साल का है, तो इसमें जो है गार्जियन की परमिशन नहीं ली गई, तो इसमें जो है इसको कैंसिल किया जाए. लेकिन कोर्ट ने ये बात कही कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट लास्ट मंथ ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू ए मुस्लिम गर्ल. मुस्लिम गर्ल को प्रोटेक्शन दे दी. किस चीज के लिए प्रोटेक्शन दी, कि 17 ईयर ओल्ड अगर मान लो मुस्लिम लड़की है और 36 साल का मैन है तो दोनों क्या है मैरिजेबल एज में है एंड मुस्लिम लॉ के तहत. द बेंच ऑफ जस्टिस अलका शरीन वॉज हियरिंग ए प्रोटेक्शन प्ली. अलका शरीन जो है वो प्रोटेक्शन प्ली को सुन रही थी. उस मामले में जस्टिस अलका ने यही बात कही प्रोटेक्शन प्ली में कि जो मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ है उन्होंने प्रॉपरली मैरिज किया गया है और उनकी मैरिज जो है 21 जनवरी 2021 को मुस्लिम राइट्स सेरेमनीज में सेरेमनीज के द्वारा हुआ था, तो इसलिए इनकी मैरिज को वैलिड माना गया और यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात के लिए उनको जो है सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई. अगर वो मैरिज भी वैलिड नहीं होती तब भी लिविंग रिलेशनशिप के तहत हम जो एक लास्ट जजमेंट डिस्कस कर ही चुके हैं कि मुस्लिम वुमन जो है अगर मान लो कन्वर्ट नहीं करती है तो उन्हें लिविंग रिलेशनशिप में तो रखा ही जा सकता है. तो इसी तरीके से ये जो जजमेंट है मुस्लिम लॉ से काफी इंपॉर्टेंट है. और आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेन द फर्दर वीडियो वाज अपलोडेड देन यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट टाइप ऑफ वीडियोस. कोरोना के इस पीरियड में अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.